SHO साहब की मैं कोई 30 दफा 40 दफा गया उन्हें मिलने से जमीन मकान दुकाना सारा कोई माड़ा को खसे जनाब मैं कुत्था जाऊँ जमीन जायदाद माड़ी तो मैं कुत्था जाऊँ उन सत्तर दंदली के साबक बैंक मैनेजर महमूद मलक पर जुल्म की इंतहा अपने ही बेटे जानी दुश्मन बन गए बुढ़े बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया घर से निकाल दिया जायदाद और मकान पर कब्जा कर लिया बूढ़ा बाप दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर महमूद मलक कोटली की आवाज को अपनी दास्तान सुनाते हुए रो पड़ा महमूद मलक ने कोटली की आवाज को अपनी दुख भरी दास्तान क्या सुनाई आइए सुनते हैं। खवातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम मैं सुना मेज़बान सईद भट्ट ते तुसां तकने पे हो अपना चैनल कोटली की आवाज़ ते नाजरीन तुसां की हर किस्म ने जिहड़े इत्थे हालात पैदा होने उस तुसां की आगाह करने आ सियासत ने हवाले नाल भी कारोबारी हवाले नाल भी और जो भी जिद्द दशनी कोटली च उसकी भी आगाह करने आ लेकिन इसने नाल नाल कुछ दर्दनाक स्टोरियां साढ़े सामने अछनियां जिहड़ियां असां बयान करने भी शर्म महसूस करने आ कि ये माशरा जिहड़ा साढ़ा सी ओह इस तरफ गया ठीक है किस तरह गया कोई इलम नहीं है तो सारे ना मौजूद है महमूद साहब तो दंदली ने रहने वाले तो इन्होंने आखना आ कि इन्होंने बेटे इन्हों पर तशद्दुद करने और इन्हें यह भी आखना आ कि इन्हें की काफ़ी दिन की कराए इन्हें एक कमरे बंद भी रखा गया इन्हें की क्या बंद रखा गया तो बेटे इन्हों पर क्या तशद्दुद करने इन्होंने जबानी सुनने महमूद साहब मुख्तसरन दसो कि कितने सोने बेटे जो तशद्दुद करने वो कितने चार बेटे ने माड़े सर चार बेटे चो एक जड़ा एक बीवी चुन का त्रै एक त्रै एक साइड पर होवे तो मैं कमरे बंद किया ने उस तो बाद माड़े मोबाइल खसी ने त्रै मोबाइल माड़े भनी है उस तो बाद त्रै खूनिया भनिया ने त्रै अनक भनिया ने उसकी इतनी शुर है वो कि अछना तो तकना सुनना ही कुछ नहीं टेबल पर जो कुछ माड़ा सटी का भनी छोड़ना और आना तू इतना रहना की है और मैं इतना कमरे बंद किया रहा एक हफ्ता मैं उतों मोबाइल माड़े को खसी मैं मोबाइल उत सटी मुटा सराहने तक गया ठीक अपने बहर तो मैं उतु चाहिए छत्ता पर गया जाए तो फोन किया पनाग मालका करम की कि मिगी इस जालम को छड़ाओ उन्हें चिर मुश्ताक की रोली फोन किया तो उन्हें अपने साले की तो उत ही माड़ी बच्ची शादीशुदा है कि उसकी भेजा तो उन्हें जाए मैं उतों छड़ाई आता तो जो कुछ माड़ा को डायरिया फोन नंबर सब कुछ माड़ा भन्नी त्रोड़ी अच्छा महमूद साहब एक गल बो कि टोटल सुने चार बेटे जी सर त्रै बेटे जड़े नू वो पहली बीवी चू हैं एक जड़ा या वो दूसरी बीवी चू हैं तो सुना ये भी आखना है कि जड़े पहले जड़े त्रै पुत्र हैं माड़े वो एक गल बोने कि जड़ी तुसों कोल जमीन है वो त्रै हिस्से अंबर तकसीम करो जबकि तुसना यह आखना है कि मैं चौं हिस्से अंबर तकसीम कर सा ये यानी मामले नहीं जड़ है जड़ा ये झगड़ा चली रहा यह गल बो कि सब तू बड़ा जड़ा बेटा है वो कड़ी जगह होना हूँ गया वापस उस पर पर्चा भी लगा वा उसके ना इतों भगौड़ा भी नसी गया जो तो पता लगा कि जमानत इन्हें नहीं हुई लेकिन जमानत कन्फर्म नहीं हुई तो नसी सोदिया गया ठीक उतों जाए मैं गाली करना रोज़ घर कुड़ियों फोन करना इसकी मकान अंदर नहीं बन देना तो इसकी जो कोई रोटी नहीं देनी कोई रोटी नहीं देना चाह नहीं देना पानी नहीं देना मैं अपने बंदोबस्त रहना अच्छा, त्रै बेटे शादीशुदा त्रै सारे शादी चौथा या दूसरी बीवी शादीशुदा रहने पहले बेटे या दूसरे दूर बेटे नार घर रहना मैं हूँ उस मातम हुई तो मैं गया तो मैं अंदर ना बन देना आखन तू आया कि इतना अंदर जमीन जायदाद मकान सब कुछ माड़ा माड़े नाम पर मकान मैं बनाए आपे सात कमरे दो बात है किचन मैं अपना जाति तौर बनाया वो ये आने सारा कुछ सारा है ठीक है मैं मकान चुकने बाहर है तो बाहर निकल तो वैसे तकसीम हो चुकी जमीन या अजय होना बाकी है जी बाकी है किसी की कोई नहीं दी कोई तकसीम नहीं की थी और मैं ये गल आने हो कि उसकी चौथे इस बच्चे की सही ना देने तो मैं शुगर ना मरीज ना सर तो पता नहीं कितनी जिंदगी है माड़ी है तो मैं अपील करना है कि मकान माड़ा इन्होंने को खाली कराया जाए इन्हों के बिल पर रोड आनो रोड पर आनो ताकि इन्हें पता चला कि बाप की कोई चीज़ है ही बाप तो बहुत बड़ी चीज़ है अस वैसे तो आखने रहने कि पुत्र मिठरे मेवे लेकिन बाप नहीं हसती दुनिया वाहि दसती है जड़े यानी अस जितना ही प्यार करना तो उतना उसना प्यार वैसे तो यह भी आने के मोह ना बड़ा यानी कि होना है दर्द पुत्र की लेकिन पुत्र ना भी प्यो ना भी बड़ा दर्द होना है लेकिन दिल भी होना है दो दफा SP साहब की मिले उन्हें एप्लीकेशन मार करी थाने दी थाने उन्हें की जाए यानी पैसे खिलाई छो तो कोई नहीं तुरने थाने वाले दरखास्त उत्थे उन्हें को रखी SP साहब की दो दफा मिले SP साहब इनता ही अच्छे बंदे उन्होंने कोई शिकायत नहीं मिली SHO साहब की मैं कोई 30 दफा 40 दफा गया उन्हें मिले
मिलने से वह नहीं मिली सके, लेकिन उन्होंने अगर एहलकार जोड़े जुल्फकार साहब होता है तफ्तीशी उन्होंने तफ्तीश पे भी सारा फाइल उन्होंने कोल है, कोई नहीं चलने उन्होंने यानी तो बच्चा माड़ा त्रै आना 3 लाख महीने ने सोदिया वाला कमाना वो सारे उन्हें पैसे देने नहीं तो कोई पुलिस नहीं चलनी सिविल जज साहब को माड़ा केस है उत्थ यानी तो कोई कलर्क ना मिली मुली तो तारीखा लम्बी बना जनाब बेटे बाप मारिया हुआ है तो बेटे ने के बेटे जोड़ा है इस राशन तो महीने महीने पैसे की तारीखा पाई जान तो इस वास्ते मैं अपील करना है एस पी साहब कोटली उस तो बाद एस एच ओ साहब डी सी साहब इंतजामिया सारी जितने मल जफर साहब को मैं गया उन्हें जाती तौर मिलिया बह माड़ी जी भजी सी सोजिश पे भी सी उपर में मल जफर साहब की दसी उन्हें मैं आख्या ये उस जेल भी से जेल ही में जाए उन्हें दसिया उन्हें आख्या इंशाल्लाह बेहतर उसी अज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होनी पैसे दे तो वो बस जिते तक होनी कार्रवाई बंद कराई उन्हें माड़ी अपील है कि माड़ी कार्रवाई मुकम्मल की जाए इन्हें कि मकान माड़ा खाली करा जाए जमीन मकान दुकाना सारा कोई माड़ा कोल खसे कोई चीज़ नहीं माड़ा कोल छोड़ी के आना के सब कुछ माड़ा है ये जरा दो त्रै ये गल आखने तो त्रै दो जो सोदिया तंग लें वो इसकी बने कि इसकी इतना मकानी ना रहन दे जनाब मैं कुत्थां जाऊँ जमीन जायदाद माड़ी तो मैं कुत्थां जाऊँ हूँ 70 साल उम्र है माड़ी तो मैं कुत्थां जाऊँ इसकी बिल्कुल इसी बंद करो इसी 6 महीने बंद करो इसने जेल भी तो आपे सीधा तीर जिला आया उसे तक जा ठीक है तो नाजरीन तुसा महमूद साहब ने पूरी गल बुझी है अंतराई दर्दनाक स्टोरी है ये तो आसना भी यह मुतालबा आ कि ये वालदन इन्होंने गल पर तवज्जो दी जाए और इन्होंने जेडे बेटे नू उन्हां की थोड़ा समझाया जाए तो थोड़ी सख्ती भी की जाए रोई करना ये रोने भी पे तो रोई तो अपील करने पे कि माड़े ना इंसाफ किया जाए तो इन्होंने इंसाफ होना चाहिए इस सईद भट्ट की कोठली तो दी इजाजत अल्लाह हाफिज़।